गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो ऑयल है, ये जो है ऑर्गेनिक शॉप है एक, इनके चौकी के पास ही पड़ता है, मतलब इनके चौकी एरिया में, वहाँ से ये लेके आए थे। सनफ्लावर ऑयल है ये, और ये सत्वयक जो नाम है ऑर्गेनिक चीज़ें जो बनाते हैं उनकी साइड से ही लेके आए थे शॉप से। और थोड़ा सा ये कॉस्टली है क्योंकि इसका जो MRP है वो जो नॉर्मल तेल होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस पर मेंशन नहीं, अच्छा है इधर ये 295 पर लीटर इस पर लिखा हुआ है, और ये इनको 250 का पड़ा है। तो ये जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और एक ये है, बैठ गई, बैठ के दिखाती, ये है वैदिक प्योर मस्टर्ड ऑयल, और इसका जो है ये भी ऑर्गेनिक ही है। तो इसका जो प्राइस है ये है 275। तो ये दोनों ही इनको 250 का पड़ा है। और इसको ये मतलब मेरे घर में अब ये यूज़ हो रहा है लगातार, तो मैं सोचा आपको भी मैं दिखा दूँ। तो जो नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल है फॉर्चून का या फिर कोई और ब्रांड का, अब वो नहीं, अब ये वाला ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको मैं दिखाना चाह रही थी कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल केमिकल होते हैं हम और जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इस कारण करके इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है हेल्थ की वजह से, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ भी और इनके पापा के साथ भी इस कारण करके। और ये है हल्दी पाउडर, ये भी जो है हाँ ये वैदिक प्योर, ये भी इसके लिए लाया था क्योंकि हम लोग दूध पी रहे हैं लगभग 4-5 महीने हो गए जब से कोरोना का जो हुआ था, उस टाइम से हम हल्दी वाला दूध ही पी रहे हैं। तो पहले तो ये कुटी हल्दी ले आए थे प्योर चक्की से, पर अब ये ऑर्गेनिक लेके आए हैं। तो ये 99 की बोतल है, ये भी प्योर ऑर्गेनिक का ही बना हुआ है, तो इस कारण करके ये भी दिखाना बनता था। और ये है आयुष काढ़ा, जो आजकल काफ़ी घरों में इस्तेमाल हो रहा होगा वैदिक प्योर का, और ये 269 इसमें MRP है, ये 250 का पड़ा है। और इस काढ़े में जो है, आपको दिखा दूँ मैं, अगर क्लियरली चमक रहा होगा तो इसमें ब्लैक पेपर, ग्रीन कार्डमम, सिनेमन, जिंजर और क्लोव्स, तुलसी, बे लीव्स, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें, 8 जो चीज़ें हैं इसमें हैं। और इसका जो सारा कुछ दे रखा है, इसको किस किस तरीके से बनाना है हमने, वो है ये। और काढ़ा क्या है कि ये लगातार अब लोग सभी लोग पी रहे हैं। तो इसको मैं पहले क्या कर रही थी, घर में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं गर्म मसाले उनसे मैं बना रही थी, अब ये लेके आ गए, इसको पाउडर बना हुआ है, पाउडर का इस्तेमाल करके हम इजीली काढ़ा बना सकते हैं। और एक ये लेके आए थे वहीं से, एक ये स्प्रे है घर में, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके लिए है ये, स्टे अलर्ट स्टे सेफ। तो ये अपोलो का है, अपोलो लाइफ का, तो ये घर के लिए है। और इसका MRP है 190। तो ये सब चीज़ें तो ये लेके आए थे घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें, और ये है बच्चों का खाने का कुछ आइटम। ये है टूटी फ्रूटी केक, पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ा ये लेके आ गया अचानक से कि जो मुझे अच्छा लगा मैं ले आया। तो ये है टूटी फ्रूटी केक, और ये आज मैंने सुबह ही इसको ओपन कर लिया, ये वाला, ये काफ़ी टेस्टी भी है ये वाला रस ये। और प्लस ये है अनियन ब्रेड, और इसमें जो स्टफिंग है वो अनियन की है,
ये एक एक जैसे जैसे एक पेटी पेटीज बोलते हैं ना, उस तरह से है ये कुछ। अब इसको ओपन नहीं किया तो अब करेंगे। ये दो हैं, ये दो पीस लेके आए हैं और ये काफ़ी बड़ा पीस है, एक ही काफ़ी बड़ा है, तो ये दो लेके आए हैं। और दो ये सौंफ वाले रस हैं, चाय के लिए जो खाते हैं वो वाले रस हैं, सौंफ रस लिखा हुआ है इस पर। ये दो पैकेट्स लेके आए हैं। तो ये तो खाने पीने का आइटम है, पर ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये दिखाने के लिए मैंने खास करके आपको ये वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जहाँ अगर आपके घर के आसपास मिले तो आप उनको ज़रूर से अपने किचन में शामिल करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और फैमिली के लिए हेल्दी हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे जो है हनी दिखाएगी वो क्या कर रही है आज। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और हनी बना रही है अब, उसको जो है माइक्रोवेव में कर रही है उसको गर्म, क्योंकि चाय का हो गया था टाइम। तो मैंने इसको ये बोला कि इसको फिनिश कर लो, क्योंकि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो 2-3 दिन की है, तो 2-3 दिन के अंदर हम इसको फिनिश करना था। और उसे पहले लगा रही है बटर, उसके बाद इसको माइक्रोवेव में करेगी गर्म और फिर पता चलेगा ओपन करके कि ये है कैसा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इसका ऊपरी पार्ट ही देख रहे हैं, अंदर का नहीं पता है अंदर है कैसे। तो जैसे कट होगा वैसे आपको भी दिखने मिलेगा ये है क्या, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये इस तरह का कुछ लेके आए हैं। और ऊपर से तो उस पर लिखा था अनियन ब्रेड, और ये बड़ा साइज़, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, क्योंकि हम जब ये खाएंगे तो ही पता चलेगा कि ये है क्या। तो पहले मैंने इसको कहा कि इसको बटर से हल्का सा ग्रीस कर दो, उसके बाद इसको माइक्रोवेव करेंगे तो थोड़ा सा इसका जो है गर्म होके इसका टेस्ट अच्छा आएगा, सॉफ्ट भी रहेगा, क्योंकि जब मार्केट से लाते हैं थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही फिर सीधा इसको माइक्रोवेव में डाल के फिर खाएंगे चाय के साथ। तो हनी इसको रख रही है माइक्रोवेव में, तो ये गया और थोड़ी देर के लिए इसको करेंगे हम माइक्रोवेव। और घर में माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आ जाते हैं जिनको हम नॉर्मल तवे पे गरम नहीं कर सकते, और इसमें क्या है कि वो ईज़ली गरम हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता, जलता भी नहीं है, तो फ़ायदेमंद है। और साथ ही खूब सारे अदरक डाल के चाय, और हनी क्या करती है बहुत सारा सारा अदरक डाल देती है, और ये उसी के हाथ से डला हुआ अदरक है जो बहुत सारा डालती है। साथ ही मैं डाल रही थी दूध, और हनी को जो होता है दूध का ख़तरा कि कहीं मम्मी बहुत ज़्यादा दूध ना डाल दे, क्योंकि हनी को दूध वाली चाय नहीं अच्छी लगती है, थोड़ा कम दूध हो तो चाय उसको पसंद आती है। तो चलिए ये हो चुका है रेडी, हो के तैयार। और उसने सोचा था कि मैं सभी को गर्म कर दूं, पर मैंने कहा ना कि पहले एक टेस्ट करो उसके बाद आप दूसरा करना गर्म, पहले एक फिनिश करो, पता चले कि वो भी पसंद ना आए और आपका ऐसे कैसे वो रह जाए। तो ऐसे ही अब इसको कर रही है वो कट, और आप देखो सॉफ्ट कितना हो गया ये गर्म होने के बाद, और ये हो रहा है आपके सामने ओपन। और इसको देखने के बाद लगा हमको बहुत तगड़ा झटका, क्योंकि इसमें हम लोग सोच रहे थे कि इसके अंदर कुछ स्टफिंग होगी, पर इसमें क्या किया हुआ है कि ब्रेड को ही उसमें प्याज जो है चॉप करके इसमें ब्रेड को साथ पकाया हुआ है, पर ये होने के बाद बड़ा सॉफ्ट और अच्छा बना हुआ था। तो चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ, और चलिए आज हमारे साथ आप भी सैर करने के लिए। और हम निकले हैं घर से चारों, और देखिए आप जाते कहाँ हैं। तो आज का जो ट्रिप है वो हनी के पापा की साइड से, और आज ली हुई थी उन्होंने छुट्टी कि तुम लोगों को घुमा के लेके आते हैं, ये नेक्स्ट डे का था। और हम लोग निकल गए थे कोई लगभग 11 बजे के करीब, और ये ज़्यादा टाइम हनी ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना दूर से, कितना सुंदर सा आसमान लग रहा है, नीला नीला आसमान और उसमें वाइट वाइट से बादल, बहुत खूबसूरत। और इस टाइम पे हनी ने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, और सामने से आप देखो कि व्यू भी बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं भी जाते हो और अच्छा सा कुछ देखने मिले,
तो बस हम चार लोग निकल गए थे घूमने के लिए, और आपको पता चलेगा हम जा कहाँ रहे हैं। सामने से बिल्डिंग है, और अब जो जिस रास्ते से हम जा रहे थे पहले कभी, ये रास्ता जो था बहुत ज़्यादा टूटा फूटा, और प्लस बहुत ट्रैफिक, भीड़ भाड़ जो थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और अब जब है ये रोड इतनी अच्छी हो गई है कि गाड़ी भी बहुत क्लियरली चलती है यहाँ पे। तो इसके बाद पहुँच गए हम इसके पापा के फ्रेंड के घर, और हम आए थे आज स्पेशली किसी काम से, क्योंकि आज कोई फंक्शन था इनके यहाँ पे, तो उस कारण करके हम इनके घर आए थे। और इनका घर बहुत ही सुंदर है, और साइड में देख रहे होंगे आप पेड़ जो लगे हुए हैं ना, ये अमरूद का पेड़ है, बहुत ज़्यादा हैवी। और वो जो उनकी बेटी है राखी, वो बता रही थी कि आंटी से बहुत सारे अमरूद आए थे जो हमने जाके अपने काफ़ी सारे लोगों को बांट दिए, और बहुत सुंदर सा उनका जो लॉन है उन्होंने बहुत सुंदर किया हुआ है। तो वही हनी और तुषी भी देखिए कैसे घूम रहे हैं, और आज हनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट सी लग रही है इस ड्रेस में, आप भी बताना कैसी लग रही है। और ये देखिए इस टाइम पे ये थक चुके थे दोनों भाई बहन, और हम लोगों को घर निकलना था। तो ये इनके फ्रेंड का घर है जो हमारे घर से लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर है, और ये आ गए हम अपने घर पे। और नेक्स्ट डे इतनी बारिश हुई कि है, देख रहे हो बारिश, ये उस समय का है जब ये पानी थोड़ा कम हो चुका था, अदरवाइज़ इसमें पानी हद से ज़्यादा भरा हुआ था। और उस दिन इतनी बारिश हुई कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, और ये मैंने तभी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, मैंने कहा चलो दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को भी कि कितनी बारिश हुई है। और चलिए आप भी इंजॉय कीजिए बारिश को। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप इतने दिनों बाद मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इसका कारण वही है कि काफ़ी दिनों से था हेल्थ इशू, उस कारण मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, और कुछ बाहर भी जाना हो गया था इस बीच, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए पहले आपको मैं अपने प्लांट से मिलवा देती हूँ, और जो अच्छा खासा घना हो गया है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है ये वाला, और साथ ही ये वाला जो है मनी प्लांट, ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और उसके साथ ही जो मैंने छोटू सा बनाया था, ये वाला लगाया था, सॉरी, इसमें भी अब निकलने लगे हैं। और आपको दूसरा दिखाती हूँ मैं, ये वाला, इसमें अगर आपको दिख रहा होएगा तो इसमें जो है जड़ें निकल रही है इसमें से, मनी प्लांट से। और इसको मैंने रख दिया बुद्धा जी के पास, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है बहुत, क्योंकि रोशनी है का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इस कारण करके प्रॉपर दिख नहीं रहा है, पर बहुत सुंदर लग रहा है रखा हुआ ये। और अभी मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि 3-4 दिनों से बैंक के चक्कर बहुत लग रहा है, मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट के चक्कर में एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नेटवर्क जो है नेट वहाँ पर जाके डाउन हो जाता है, और सर्वर कभी सर्वर डाउन है, तो इस कारण करके आज जा रहे हैं बैंक। और बैंक में मैं और तुष्टि जाएंगे, और आज मुझे लेनी है अपनी अकाउंट बुक, क्योंकि अकाउंट बुक जो है लेनी है अभी तक, और आज मैं उसी को लेकर लेने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा सा खा लेते हैं खाना, फिर चलते हैं बैंक। तो चलिए खा लो आप भी हमारे साथ। मम्मी स्पेशल चीज नहीं बनाई, तो क्या हुआ, लाओ है बैंगन की सब्जी है, खीरे का रायता है, इतना काफी नहीं है। और ये जो मैंने अपने कपड़े स्टिच करने के लिए लिखे वो आ गए, पहले कर देते हैं सैनिटाइजर, डाल देते हैं उसके ऊपर, उसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। वैसे भी इनको धुलना ही है, देखो बेटा ये बनाया मैंने, और एक ये, अब दोनों के साथ बनी है पेंट। कुछ उस दिन मैं पहनूंगी, उस दिन दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, ये तो पूरा बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद, कुर्ता ब्यूटीफुल सा, आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है,
और बैक से मैंने ऐसे बनवाया इसके, ये डिज़ाइन है। चलो फिर मैं देख लूँ इसको, दिखा दूँ। जिस काम से हनी को चिढ़ है वो काम मुझे बार बार करना पड़ता है।